राज्य में लगातार कानून व्यवस्था गिरने को लेकर भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार पर हमलवार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया गया। चाईबासा में पोस्ट ऑफिस चौक से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने भी हिस्सा लिया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, राज्य की कानून व्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। सरकार बनने के बाद कोड़ाहाट जंगल में बड़ू गुलीकेरा में आदिवासियों का नरसंहार हुआ, लेकिन आज तक ना तो किसी को नौकरी मिली और ना ही मुआवजा। हेमंत सोरेन आदिवासी है, लेकिन जब से सत्ता में आए हैं उसके बाद से ही आदिवासियों का नरसंहार लगातार हो रहा है। हाल ही में रांची और गुमला की घटना सबके सामने है। गिलुवा ने कहा कि राज्यपाल को देखते हुए सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जो काम हुआ है कोई नई चीज़ नहीं है, ये जब से सरकार आई थी उस समय में उद्घाटन में ही नरसंहार का ये झारखंड राज्य को हेमंत सरकार जी ने दिया था। मगर ये अराजकता की सरकार बन गई है, लोग भय का जो माहौल पैदा हो गया इस राज्य में, इसके खिलाफ हम लोग इस सरकार को जताना चाहते हैं इस कैंडल मार्च के माध्यम से कि अभी भी आप आदिवासी मूलवासी जो करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का आपको थोड़ा भी ध्यान नहीं है। इसलिए आपसे एक बीजेपी के युवा मोर्चा पश्चिम सुबह के जिला अध्यक्ष के नाते आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मूलवासी और आदिवासी के बारे में सिर्फ बोलते हैं, उनके बारे में सोचते नहीं हैं, एक बार सोचें और उसके बाद यहाँ की जो डर का जो माहौल है उसको फिर से एक बार हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी में एक माहौल था जो भयभूत भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड ऐसा बनाने में आप कोशिश करें। नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पश्चिमी सिंहभूम जिला अध्यक्ष चंदन कुमार झा ने कहा एक साल से हम जो देख रहे हैं ऐसी हालत में आदिवासियों का नरसंहार इस सरकार के लिए नया नहीं है, पूरे राज्य में भय का माहौल बन गया है। संपूर्ण झारखंड प्रदेश में आज के दिन सभी जिला मुख्यालयों में कैंडल मार्च, यानी वर्तमान जो सरकार है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, इस सरकार में लगातार कानून व्यवस्था गिर रही है, यानी कि कानून नाम की कोई चीज़ इस झारखंड प्रदेश में नहीं रह गई। इसको कहते हैं गिरती हुई कानून व्यवस्था के संदर्भ में। और लगातार आप देखेंगे जब यूपी की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य में बनी, बनने के तुरंत ही बाद गुदड़ी प्रखंड के बुरू गुलीकेरा में 7 आदिवासियों की हत्या हो जाती है और आज तक ना उसको मुआवजा मिलता है ना ही उनके आश्रितों को नौकरी मिलती है। बड़ी उम्मीद था कि भाई हेमंत सोरेन जी आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासियों का भला होगा, मूलवासियों का भला होगा, लेकिन इन एक वर्षों में, मुझे लगता है एक वर्ष दो महीना लगभग हो गया, आदिवासियों की नरसंहार लगातार हो रहा है। कल परसों गुमला में, रांची में, यानी मुझे लगता है कि सभी जिलों में अपने राज्य में जो प्रशासनिक दृष्टि से 24 जिला है, सभी जिलों में कहीं ना कहीं हत्या और बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा यह मानती है कि झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। इसीलिए मुझे लगता है कि जिस राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त हो जाता है ऐसे सरकार को बदलना चाहिए, या तो राज्यपाल महोदया को गिरती हुई कानून व्यवस्था को आधार मान करके ऐसी सरकार को। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।